And I'm very happy to see you here. Today I am here to represent students on behalf of students who have graduated from various MCI recognized medical universities of Pakistan. सर उन दिनों की बात है जबकि दोनों मुल्कों के बीच में हालात जो है वो काफी हद तक नॉर्मल थे और ये भी देखा गया था कि हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री जो है वो आपस में दोनों ही मुल्कों में आते थे इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर बेस्ट विशेस फॉर पीस एंड हार्मनी। सो उस टाइम की बात है मैं और मेरे साथ काफी सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान गए मेडिकल एजुकेशन परस्यू करने के लिए rather than engaging in other social and political activities. Sir, हमारी डिग्री कम्प्लीट होने के बाद जो कि हम लोगों ने MCI recognized universities से किया है, दूसरा कि वो universities internationally certified है, WHO से recognized universities है वो। सर हमारी डिग्री कम्प्लीशन के बाद हम लोग यहाँ वापस आए हमारे देश में हमारे मुल्क के लोगों को सर्व करने के लिए, स्पेशली उन हालातों में जबकि डॉक्टर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इतनी ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की हमारे मुल्क को कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये तक बोला कि जो थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सारे एज वॉलंटियर्स सामने आए और हमारे लोगों को वो लोग मदद करें। सर हमारी डिग्री कम्प्लीट होने के बाद हम लोग यहां आए, हम लोगों ने मेडिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया लेकिन उसके बाद हमारा रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। रीजन क्या था कि हम लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस मांग रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस सर और बाकी काफी अननोन रीजंस है जिसकी वजह से हम लोगों का जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड रखा गया है। दूसरी बात ये कि जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं एग्जाम में बैठने के लिए उन लोगों को एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होती है। कुछ ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान से एमबीबीएस किया है उन लोगों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स तक प्रोवाइड नहीं की जा रही है, यही कि उनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे कि हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी, वो आप लोग जो है खुद ही करते हो और फिर हम लोगों के पास वो आती है। और दो साल से कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी तक मिली है। सर हम लोगों ने वहां गए, लीगल पासपोर्ट्स पे गए, सारी वेरिफिकेशंस हुई, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान गए हुए हैं। सर दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि एग्जाम देने के बाद हम लोग वापस आए वहां से तो हमारे उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ, हमारी डिग्रीज फंसी हुई है वहां पे, वहां जाने के लिए हम लोगों को अलाउ भी नहीं किया जा रहा है, उसके लिए भी हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रही है। सर अब हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर हम लोगों को कोई एफिडेविट हम लोग आपको बना के दे कि हम लोग सॉरी नॉट हम बना के दे कि ऐसा कोई हमारे लिए आप लोग कुछ भी करे कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग तब तक काम करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस कब तक मिलेगी, एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, छह साल लगेंगे, कितना भी टाइम, हम लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को तब तक काम करने दिया जाए, स्पेशली ये जो कोविड का जो भी है जिनमें डॉक्टर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। मैं आपके जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करती हूं कि वो हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। मैं उम्मीद करती हूं कि आप हम सब बच्चों को समझेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही दो साल से हम लोग बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हैं, हम लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रेस हुए हैं कि हम लोग सोच नहीं पा रहे कि हम लोग को आगे क्या करना है। जैसे डीसी साहब ने बात की कि मैं जिस इलाके से आता हूं वो बहुत खूबसूरत माना जाता है और न सिर्फ हमारे चश्मों में पानी है हमारे दिलों में मोहब्बत भी है, तो इंशाल्लाह चूंकि आपका पहला दौरा है तो मुझे उम्मीद है कि आप जब वापस जाएंगे तो वो ढेर सारी मोहब्बत जो है वापस लेके जाएंगे। जहां तक डेवलपमेंट की बात है मैं उस मौजू को थोड़ा कम ही छेड़ूंगा क्योंकि आप आज यहां आए हैं तो कोई छोड़ेगा नहीं आपको, सब लोग जो है आपको एक एक लिस्ट थमाते जाएंगे। बट मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं हमारी यूनियन गवर्नमेंट का जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जहां पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों से बात कर रहे हैं। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि
पिछले कई सालों से हम लोगों ने सिर्फ खोया ही खोया है। अगर मैं इस हॉल में बैठे हुए हर एक शख्स की बात करूं तो हर एक की कोई ना कोई पर्सनल कहानी होगी ऑफ लॉस ऑफ ग्रीफ एंड इट गोज फॉर ऑल ऑफ अस। मैं जो आज बात आपसे रखना चाहता हूं वो एक बहुत बेसिक बात है कि एक मिसट्रस्ट है, एक दूरी है और उसको दूर करने की कोशिश हम सबको करनी है और ये मेरे ख्याल से उसका पहला कदम है। अगर आप बाहर कुपवाड़ा मार्केट में जाएंगे और पूछेंगे कि अब तक का सबसे आपको पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर कौन लगता है, आप शायद सरप्राइज होंगे बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल नेम समवन फ्रॉम योर पार्टी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ही शोड अ विल। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, उन्होंने एक सिंसियरिटी दिखाई, एक विल दिखाई कश्मीर के लोगों को रीच आउट करने की, और चूंकि उन्होंने वो एक कदम लिया, एक कोशिश की, कश्मीर के लोग आज भी वो चीज याद करते हैं। इवन दो इट्स बीन 20 इयर्स, 20 साल हो गए उनको, ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, बट हम लोगों को आज भी वो याद है। तो सिंसियरिटी से और नेकदिली से, नेक नीयत से कोई भी स्टेप लेगा तो वो लोगों के दिलों में ही जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपने आज शुरुआत की है ये आखिरी कदम नहीं है, पहला कदम है, और आप आगे भी जो है बार बार हमारी डिस्ट्रिक्ट आते रहेंगे। खास तौर पे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करूं तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, 90s के दौर में ये डिस्ट्रिक्ट मतलब हॉटबेड माना जाता था मिलिटेंसी का, इंसर्जेंसी, एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर। आज अगर आप बात करें तो मुझे लगता है पूरी रियासत में, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पीसफुल अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो कुपवाड़ा ही होगा। एंड आई टॉक अबाउट जम्मू ऑल्सो इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम जम्मू। तो ये तब है जब हमारे सारे लोग उस नीयत से निकले हैं कि नहीं, अब हमें सिर्फ तरक्की की तरफ चलना है, हमें सिर्फ कामयाबी की तरफ चलना है। हम वो कदम ले चुके हैं, अब आपकी बारी है कि आप भी वो कदम लें। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आपसे, इश्यूज हमारे वही है। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट हो गया मीटिंग के लिए, बट उसका रीजन ये था कि मुझे 3-3.5 घंटे लगे श्रीनगर से यहां आने में, मैं श्रीनगर में था। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाईवे है वो 2 लेन है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को हाईवे जो है केटर करा है, 2 डिस्ट्रिक्ट को, इनफैक्ट नॉर्थ को अगर आप देखें, बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा, 3-4 घंटे क्यों लग जाते हैं? क्योंकि नैरो रोड है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, घंटों बर्बाद हो जाता है। मैं तो सरप्राइज हो गया कि आप इतनी जल्दी पहुंच गए, मुझे तो लगा था आप शायद लेट ही आएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली, अगर आप ड्राइव करके आए होते तो शायद आप भी मीटिंग के लिए लेट हो जाते। तो ऐसे इश्यूज हैं और ये हम सबके हैं, ये हम सबके इश्यूज हैं। मतलब 4 लेन अगर हाईवे हो तभी जो है तरक्की तेजी से हमारी तरफ आएगी। वैसे ही रोलाब है, पंगस है, इनफैक्ट आप केरन जाएं, आप टंगडार जाएं, जो बॉर्डर एरियाज है हमारे वो इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, बॉर्डर टूरिज्म का इतना स्कोप है यहां पे। बट वो तब होगा जब आप थोड़ा दिलचस्पी लें और आप एक के बजाय 2 कदम चलें। आप ये ना सोचें कि ये कुपवाड़ा एक जम्मू कश्मीर के कोने में डिस्ट्रिक्ट है, यहां से तो मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे जम्मू कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कम जाते हैं। अगर थोड़ा नंबर ज्यादा होता तो शायद फोकस भी जो है हाउस का ज्यादा रहता। आई एम सॉरी टू से दिस बट इट्स अ फैक्ट। तो उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है। बाकी जो मेन इश्यूज हैं वो सब आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं, जैसे मैंने कहा कि आज आप हाथ लगे हैं तो कोई छोड़ेगा नहीं आपको, सब जो है एक एक पर्चा थमा देंगे। बट आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर टेकिंग दिस स्टेप एंड कमिंग टू आर डिस्ट्रिक्ट, एंड आई होप दैट विल सी यू ऑफन, इंटरेक्ट विद यू ऑफन, एंड होपफुली वेन यू गो बैक फ्रॉम हियर ये सिर्फ एक वो PR एक्सरसाइज ना रह जाए। आप जब वापस जाएं, अगर आप 10 मेन कॉमन डिमांड्स ही देखें जो आपके पास डिफरेंट डेलीगेशन से आएंगी, अगर 10 में से 5 ही हो जाएं, वी विल थिंक इट इज अ सक्सेसफुल इवेंट। बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू विल शो द विल सर,
बिकॉज आप जब यहां से जाएंगे तो आप ये मान के जाइए कि आप कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाइए यूनियन गवर्नमेंट।